आज की इस वीडियो में हम बोया के BY-M1 माइक का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला माइक है एक वीडियो क्रिएटर के लिए 700 to 800 प्राइस रेंज के अंदर। तो देखिए ये कुछ इसकी पैकेजिंग होती है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं बोया BY-M1, ठीक है। पीछे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमें बॉक्स के अंदर एक लेदर का पाउच मिलता है बोया के ब्रांडिंग के साथ, और इसमें माइक और कुछ एक्सेसरीज हैं, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। इसके अलावा इसमें हमें यूज़र गाइड मिलता है, दो बोया के स्टिकर्स मिलते हैं, आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी हो, इसको यहाँ रख देते हैं। ये यूज़र मैनुअल है, इसमें लिखा होता है कि हमें माइक्रोफोन को कैसे यूज़ करना है, और ये आपका वारंटी कार्ड है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, साइड रख देते हैं इसको। इसमें हमारा मेन प्रोडक्ट पाउच काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कि अब हम इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। इसमें हमारा माइक है, और इसके अलावा हमें छोटा सा पाउच दिया गया है, इसमें छोटी मोटी एक्सेसरीज हैं, और ये खाली है, ठीक है। तो माइक की जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं अराउंड 20 फीट की इसकी वायर है। ये हमारा माइक है, और यहाँ पर एक हमें कंट्रोलर मिल जाता है। अगर आप इसे DSLR कैमरे में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको स्विच को जो है यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से अगर अप कर देंगे तो DSLR एक मोड में चला गया। अगर आप DSLR वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो इसे अप कर लीजिएगा ऐसे, और अगर आप स्मार्टफोन्स में इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसे डाउन कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। यूँ आप जिसमें इसका यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसे अप डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें एक छोटा सा पाउच भी है इसके अंदर, इसको देख लेते हैं क्या है। हमें इसके ऊपर एक स्पॉन्ज मिलता है जो कि हम माइक के ऊपर लगाते हैं, ये रहा। फिर हमें एक अडेप्टर मिल जाता है, हमें यहाँ पे एक बैटरी मिल जाती है, आप देख सकते हैं। ये बैटरी हमें इस कंट्रोलर के अंदर लगानी होती है यहाँ पे, और ये क्लिप है जो कि हम शर्ट या टी शर्ट के कॉलर में लगाते हैं माइक यूज करने के वक्त। तो अब हम इसको फटाफट सेटअप कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें बैटरी लगाएंगे, तो हमें इसे कुछ इस तरीके से खोलना होगा, यहाँ बैटरी लगेगी। तो बैटरी लगाने के बाद इसको आपको दोबारा इसे बंद कर देना है इस तरीके से। अगर आप इसे DSLR कैमरे के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट बाय द वे मैंने इसमें लगा लिया है। इसके बाद हम माइक पर इसका स्पॉन्ज लगा देते हैं, लग गया। इसके बाद इस क्लिप को हम इसमें अटैच कर देते हैं, सिंपल है, देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं। इसको यूँ लेना है और इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, ये लग जाएगा। तो अभी तक जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो मेरे स्मार्टफोन की थी। अब हम इसमें बोया M1 का माइक अटैच कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के माइक से आ रही है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन के माइक्रोफोन की कैसी साउंड क्वालिटी होती है और बोया के BY-M1 माइक की क्या साउंड क्वालिटी है। आपको काफ़ी डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था 700 में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पे भी चाहे तो DM करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।